थैंक यू सर, मैं आभारी हूँ कि आपने मालिक को बोलने दिया बजट पर। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ, क्या उसका लीडरशिप में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा। ये बजट में वो पहले दिन मैं जब पढ़ रहा था, मेरे को याद आया प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोला प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, क्राइसिस बोल रहा है, इसका एक लॉजिकल आर्गूमेंट होना चाहिए, उसको उसका सब आंसर देने के लिए वो तैयार है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उसमें हम लोग बढ़ोतरी हम लोग को हो रहा है। और मैं सोचता हूँ 4.5 साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चलाएगा, और जो क्राइसिस का बात बोल रहे हैं वो क्राइसिस का वो ध्यान नहीं रखते हुए वो $5 ट्रिलियन का बात बोल रहे हैं। $5 ट्रिलियन का बात वो बोला है टू बी पॉजिटिव एंड पेसिमिस्ट, इसको $5 ट्रिलियन दोगुना करने के लिए जो बात बोला है इसका रिफ्लेक्शन ये बजट में हुआ है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्या वो निगेटिव बात नहीं सोचा है और हम लोग को एक नया सोचने के लिए एक मौका दिया है, जहाँ पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हम लोग को जो एस्पिरेशन इंडिया और सबका साथ सबका विकास ये सब मुद्दा बजट में इंक्लूड किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ क्या ये बजट जो बजट एक विजनरी बजट है, बजट हम लोग के लिए शुभ दिन लाएगा। और डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर चलाने वाला है वो देखेगा जो क्राइसिस का बात बोल रहा है, मेरे को नहीं लगता है क्या इन लोग पूरा स्टडी किया है, खाली निगेटिव बात के लिए क्राइसिस का बात उठा रहे हैं। आप देखिए सबका साथ सबका विकास का बात बोल रहे हैं, छोटा बात मैं बोल रहा हूँ, 14 फाइनेंस में पंचायत में जो पैसा गया वो पूरा कांग्रेस और बीजेपी सबको समान पैसा गया है। ये सबका साथ सबका विकास का एक नमूना है। और परचेसिंग पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पैसा है, डिसेंट्रलाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो पंचायत तक हम लोग का गवर्नमेंट लेके गया है। सर मैं एक बात देखा, खाली मैं हम लोग मेंबर से चर्चा कर रहा था, किसान आदिवासी ये सब लेके संसद में बहुत बात बोलते हैं, बोला है बहुत आदमी भी किसान के ऊपर में टेंशन लिया है, किसान का क्या होगा। हम लोग देखा है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स सोर डिस्ट्रिक्ट में ब्लू इकोनॉमी, किसान रेल, किसान उड़ान, ये प्रोडक्ट जो एक ये वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, जैविक खेती पोर्टल, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग, पीएम कुसुम, विलेज स्टोरेज स्कीम्स, इंक्लूडनेस ऑफ नाबार्ड, ये सब में किसान का ही बात बोला गया है। और हम लोग का कृषि मंत्री भी यहाँ पर बैठा है, उसका आंसर में मैं देखा वो भी हमेशा वो फार्मर्स का हित में ही बात बोला है। इसीलिए मेरे को नहीं लगता है क्या इन लोग कुछ क्या है। हम देखा है आयुष्मान भारत, एम्स, फिट इंडिया हेल्थ हेल्थ स्कीम्स जो है इसमें हेल्थ का भी बात बोला गया है। तो ये जो कांग्रेस का आदमी लोग बोल रहे हैं और अपोजिशन बोल रहे हैं, खाली एक तरफा बोल रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा जब टीबी हारेगा देश जीतेगा, एक लाइन दिया है जो लाइन में हम लोग को पूरा देश को टीबी से मुक्ति दिलाएगा। सबसे अच्छा बात किसान का बात बोलने वाला ये बात एक भी उल्लेख नहीं किया, जो पशुधन के लिए फूट माउथ डिजीज और पीपीआर शीप्स एंड गोट्स एलिमिनेटेड बाय 2025, इसका ऊपर में जो चर्चा किया कोई भी ये उठाया नहीं, इसको लेकिन उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मर्स का बात बोलने वाला ये टूट फूट एंड माउथ डिजीज का ऊपर में बोलना चाहिए था। मैं वित्त मंत्री की धन्यवाद करता हूँ, क्या ये खाली आदमी का ही नहीं, ये पशुधन के लिए भी चिंतित है और हम लोग का बजट इसको रिफ्लेक्ट किया है। मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस टाइम में 5 ट्रिलियन बात बोलने वाला हम लोग का प्राइम मिनिस्टर हम लोग को बोला है, सबको भी बोला है, रिक्वेस्ट किया है, क्या निगेटिव बात बोल के पूरा इंडियन इकोनॉमी को मत करो। कभी इंडियन इकोनॉमी जो चल रहा है ब्लैक मनी नहीं है। अभी इस टाइम में मेरे को लगता है आसाम जैसा, नॉर्थ ईस्ट जैसा स्टेट में जो ब्लैक मनी का बहुत प्रभाव था, नॉर्थ ईस्ट बहुत स्टेट्स में प्रभाव था, उसको खत्म करके एक्सट्रीमिज्म खत्म करने का जो बात चल रहा है, इसमें ब्लैक मनी खत्म होने का एक प्रभाव वहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। राइटली मेरे को लगता है बजट पॉजिटिव से ब्राइब दिया है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है। सर ये तो बहुत चर्चा हुआ, एक हम लोग का ऑनरेबल मेंबर ने बोला है आंकड़ा बहुत सुना, मैं भी बहुत सुना, काल से सुन रहा था आंकड़ा, मैं आंकड़ा में नहीं जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए बात में आ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का बात, मैं जो स्टेट से आया वहाँ से प्राइम मिनिस्टर था एक टाइम, वो प्राइम मिनिस्टर जो सीट से था, मैं वो प्राइम मिनिस्टर का सीट से मैं मेंबर मैं उसी सीट से मैं आया। मेरे को कभी, मैं पहले भी बोल चुका है सदन में, मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ
क्या हम लोग का असम में एक प्राइम मिनिस्टर था? मैं किसी को पर्सनल ये इल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दूर गुजरात से एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बना, सब लोग हंस रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर आके नॉर्थ ईस्ट को 50 times मोर देन 50 times वो भ्रमण किया, 50 बार से ज़्यादा भ्रमण किया, जो कोई नहीं जाता था, सब लोग सोचता था क्या नॉर्थ ईस्ट गुंडा का है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ प्रॉब्लम है। इसमें वो जाके जो जो काम किया, हम लोग का आसाम का कोई MP बोल रहा था, वो मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या अभी ये बजट में साइट्स फॉर आइकॉनिक साइट्स, जो वन साइट म्यूजियम का बात जो आया, उसमें शिवसागर को इंक्लूड किया गया। शिवसागर ऐसा जगह है जहाँ पर अहोम कम्युनिटी, अहोम किंगडम 600 साल राजत्व किया, और वहाँ पर 555 आर्कोलॉजिकल साइट्स है। हम लोग भी रिक्वेस्ट किया था, उसको अभी किया है। इसमें टूरिज्म डेवलप होगा, ये 100% हम लोग श्योर है। हम लोग जो बोला, अभी देखिए चेयरमैन सर, बोडो एग्रीमेंट हो गया। कितना साल से बोडो एक्सट्रीमिस्ट ने डिस्टर्ब करके रखा था, अभी बोडो एक्सट्रीमिस्ट बोडो एग्रीमेंट हुआ है, बोडो एकॉर्ड हुआ है। उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 7 तारीख को गया, जहां पर 5 लाख से ज़्यादा आदमी उसको प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया। ये मेरे को लगता है नॉर्थ ईस्ट में पीस प्रोसेस में जो हम लोग का गवर्नमेंट का जो पहलू है, उसको एक मात्रा मिला है, और हमेशा के लिए एक्सट्रीमिस्ट खत्म हो जाए हम लोग मांगता है। NSCN हो या उल्फा हो, उन लोग भी मेन स्ट्रीम पर आके इन लोग करना चाहिए, मैं चाहता हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर का गाइडेंस, प्राइम मिनिस्टर खुद जाके वहाँ पर एक्सपीरियंस करके आया। और सर यहाँ पर देखा मैं डोनर मिनिस्ट्री जो था, डोनर मिनिस्ट्री में फाइनेंस का कुछ बहुत प्रॉब्लम था। अभी बजट में एक बात किया गया, इम्प्रूव फ्लो ऑफ फंड्स थ्रू दी वन ऑनलाइन पोर्टल बाय गवर्नमेंट, ग्रेटर एसेस टू दी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फंडिंग एजेंसीज, ये बजट में प्रावधान किया गया। और मैं रखता हूँ, मेरे को लगता है कि इसमें पूरा फंड जाने का जो व्यवस्था था, पहले था स्टेट से डोनर मिनिस्ट्री में आना चाहिए, डोनर मिनिस्ट्री से फिर स्टेट जाएगा और कोई प्राइवेट कंपनी को ये एग्जामिनेशन के लिए भेजता था। अभी ये पूरा स्टेट में, ये स्टेट में ही इसका सेंक्शन होकर खाली पैसा के लिए डोनर आएगा, डोनर मिनिस्ट्री, डोनर मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्यवस्था किया है। मैं सर ये बजट लगता है मेरे को टूरिज्म क्षेत्रों के लिए भी, अभी सुबह एक मिनट सर 1456 करोड़ अलॉटमेंट किया है, जहाँ पर 968 करोड़ अभी रिलीज किया है। सब क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट को बनाने के लिए हम लोग का गवर्नमेंट, ये NDA गवर्नमेंट जो ट्राई किया है ऑनरेबल मोदी जी का नेतृत्व में, मैं धन्यवाद देता हूँ। और बजट को मैं लगता है आंकड़ा में ना जाके एक विजनरी बजट को माना जाए, और देश को जोड़ने का और प्रोसेसिंग पावर लाने के लिए एक सुंदर व्यवस्था है। इस शताब्दी में ये अच्छा एक बजट है। निर्मला जी और अनुराग जी भी बैठा हुआ है, सबको धन्यवाद देते हुए पूरा मेरा मिनिस्ट्री जो नॉर्थ ईस्ट को देखने वाला मिनिस्टर, हर मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट गया सर, इसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। बजट का सपोर्ट में खड़ा हूँ, धन्यवाद।